ये खबरें बाकी खबरों से जरा हटके हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी एक दिलचस्प खबर के साथ। बंगाल में मिठाइयों पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। ये है सुदीप मलिक की मिठाई की दुकान। ये दुकान आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। मिठाई की इस दुकान पर आपको पीएम मोदी और सीएम ममता के इस तरह के गजब स्टैचू नजर आएंगे। और मिठाई की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयां मिलेंगी। इनकी मिठाइयों की चर्चा अब पूरे बंगाल में हो रही है। सुदीप का कहना है कि मीडिया में जो चल रहा होता है वो उसी तरह की मिठाइयां बनाते हैं। लॉकडाउन में बहुत से युवाओं की नौकरी गई और लोगों के डिप्रेशन में जाकर सुसाइड के केस भी सामने आए, लेकिन उन सभी के लिए केरल का ये युवा गोकुल मिसाल बनकर सामने आया है। वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। शख्स ने अपने घर से साइकिल उठाई और लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अब 2 महीने में वो 5,000 किलोमीटर साइकिल चला चुका है। अनोखी बात तो ये है कि वो केरल से जम्मू कश्मीर तक साइकिल से पहुंच गए। गोकुल ने कहा कि अब वो घर जाकर दोबारा नौकरी करेगा और अपने बच्चों का ख्याल भी रखेगा। गोकुल का कहना है कि वो बिजली विभाग में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर तैनात था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई और वो डिप्रेशन में था, लेकिन साइकिल वाले इस आइडिया से उसने अपने डिप्रेशन को भगाया। यूपी के शामली के कैराना में रहने वाले 2 फीट के अजीम मंसूरी को तो जानते ही होंगे आप। ये वही अजीम मंसूरी है जो महीने भर पहले शादी की गुहार लेकर महिला थाने पहुंच गए थे। उनका कहना था कि उनके छोटे कद की वजह से कोई लड़की शादी नहीं कर रही है, इसीलिए पुलिस उनकी शादी करवाए। इस वाक्य के बाद से चर्चा में आए अजीम मंसूरी अब कानूनी शिकंजे में भी फंस सकते हैं। देखिए मंसूरी की इस तस्वीर को। ये तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें वो इंसास राइफल के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस जल्द ही उनसे पूछताछ कर सकती है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इंसास राइफल अजीम के पास कहां से आई। आपको बता दें कि मीडिया में आने के बाद से अजीम मंसूरी सुर्खियों में आ गए और देखते ही देखते बैचलर स्टार बन गए थे, जिसके बाद से अजीम मंसूरी को रिश्तों के लिए फोन भी आने शुरू हो गए। अजीम को उनके सपनों की दुल्हन भी मिल गई है। चौथी खबर विदेश से है। साइप्रस में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। दुल्हन ने शादी के दौरान ऐसी ड्रेस पहनी जिससे उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या अनोखा है। ये ड्रेस आम ड्रेस के मुकाबले में काफी लंबी है। ड्रेस की लंबाई पूरे 7 किलोमीटर है। रह गए ना आप भी हैरान, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मारिया परस्केवा नाम की इस महिला की ड्रेस को एक मैदान में एक छोर से दूसरे छोर तक कई बार बिछाया गया। मारिया ने अपने एक बयान में कहा कि वो सबसे लंबा वेडिंग वेल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती थी। हैरानी की बात तो ये है कि इस वेडिंग ड्रेस को ग्राउंड में सही तरीके से रखने के लिए करीब 6 घंटे लगे और इस दौरान 30 वॉलंटियर भी मौजूद थे। न्यूज़ तक ब्यूरो।